बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आज से लेकर 20 अक्टूबर तक ये खेलकूद प्रतियोगिता चलने वाली है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आज से लेकर 20 अक्टूबर तक ये खेलकूद प्रतियोगिता चलेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सीएम साय भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का रायपुर में आयोजन किया जाएगा। आज यानी 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है। कोटा स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस प्रतियोगिता का आयोजन कोटा स्टेडियम में किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव भी इसमें शामिल होने वाले हैं। T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम साय भी इस दौरान में मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज से लेकर 20 अक्टूबर तक ये खेलकूद प्रतियोगिता चलेगी। कोटा स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इसमें शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम साय भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां रायपुर में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है। इसका आयोजन कोटा स्टेडियम में किया जाएगा। इसमें भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम साय भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 20 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है।